पिछले 12 साल से एमसीयू ने मूवी इंडस्ट्री पर राज किया था, काफी सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े और वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज बन गई। लेकिन एवेंजर्स एंडगेम देखने के बाद ज्यादातर लोगों को लगा कि अब एमसीयू खत्म हो चुका है, आयरन मैन नहीं रहा, कैप्टन अमेरिका नहीं रहे। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से फैन थ्योरीज बनी है, र्यूमर्स आए हैं एमसीयू के फ्यूचर को लेकर, ऐसा लग रहा है कि एंडगेम ने तो एमसीयू की शुरुआत करी है और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एवेंजर्स 5 की कुछ सबसे अच्छी फैन थ्योरीज डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरो गिरी शुरू करते हैं। थ्योरी नंबर 1, एवेंजर्स 5 में हमारे सुपर हीरोज लड़ेंगे कैंग द कॉन्करर से। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कैंग द कॉन्करर की पावर का एस्टिमेट आपको लगाना है तो अभी तक आपने एमसीयू में जितने विलन्स देखे सबको कंबाइन कर लो, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि कैंग द कॉन्करर को हम एंटमैन 3 में देखेंगे, तो एमसीयू में तो उसकी एंट्री हो चुकी है। कॉमिक्स में कैंग टाइम ट्रैवल करता रहता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज में हमने उसे देखा है। एंड गेम में टोनी ने खुद कहा कि तुम टाइम के साथ खिलवाड़ करोगे तो टाइम तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा, तो शायद आने वाली फ्यूचर में एंड गेम में हुए टाइम ट्रैवल का ही असर देखने को मिलेगा। शायद अब यूनिवर्स स्टेबल नहीं रहा, लोकी भी पैरेलल यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल करता दिखेगा और शायद इन्हीं सब चीजों का रिजल्ट होगा कैंग द कॉन्करर। एवेंजर्स 5 में कैंग का होना काफी हद तक पॉसिबल है और उसे हराने के लिए एंड गेम में जितने एवेंजर्स लगे थे उससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है। थ्योरी नंबर 2, ये थ्योरी सबसे ज्यादा डिस्कस करी गई है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एवेंजर्स 5 बेस्ड होगी सीक्रेट इन्वेजन पर, यानी कि आने वाली मूवीज में सीक्रेट इन्वेजन को सेटअप किया जाएगा और एवेंजर्स 5 में हमारे सुपर हीरोज लड़ेंगे स्क्रल से। अगर ऐसा है तो इस स्टोरी लाइन का बेस ऑलरेडी तैयार हो चुका है कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहां हमने एमसीयू में स्क्रल्स का इंट्रोडक्शन देख लिया। लेकिन यहां पर स्क्रल्स को अच्छा दिखाया गया है, तो देखना होगा कि क्या वो अच्छे ही रहते हैं या सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स में जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े सुपर हीरोज का रूप ले लिया था वैसा ही कुछ करने वाले हैं, या हो सकता है कुछ स्क्रल्स एवेंजर्स के साथ हों और बाकी एवेंजर्स के अगेंस्ट। अगर एवेंजर्स 5 में स्क्रल्स और क्रीज का इन्वॉल्वमेंट रहा तो एक गैलेक्टिक वॉर देखने को जरूर मिलेगा जिसमें कई तरह के एलियंस शामिल होंगे। थ्योरी नंबर 3, ये थ्योरी कहती है कि एवेंजर्स 5 की मेन विलेन होगी स्कारलेट विच। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में वांडा विजन टीवी सीरीज का ट्रेलर आया और उसे देखने के बाद ये तो दिख ही रहा है कि वांडा ने अपनी अलग ही रियलिटी बना रखी है जिसमें विजन उसके साथ है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रीम रियलिटी में हो रहा है। शायद विजन और अपने भाई को खोने के बाद वांडा अब नॉर्मल नहीं रही, और जहां तक मुझे लग रहा है एंड गेम के बाद उसकी पावर्स डबल होने वाली है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वांडा बिल्कुल ही नेगेटिव रोल में दिखे और उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सभी एवेंजर्स को मिलकर वांडा को रोकना पड़ेगा, वो भी एवेंजर्स 5 में। ऐसा ही कुछ कॉमिक सीरीज हाउस ऑफ एम में हुआ था, जहां एवेंजर्स के साथ एक्समैन को टीम अप करके वांडा को रोकना पड़ा था, और अब डिज्नी के पास एक्समैन के राइट्स भी आ चुके हैं, तो इस थ्योरी के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। थ्योरी नंबर 4, एमसीयू में फैंटास्टिक 4 तो हमें कुछ सालों में देखने ही वाले हैं, और मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री देखी जाए तो फैंटास्टिक 4 के विलन्स हमेशा से एपिक रहे हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि मार्वल स्टूडियोज ऑलरेडी एनाइलेशन को सेटअप कर चुके हैं। एनाइलेशन कॉमिक सीरीज में मेन कैरेक्टर्स थे नोवा, गैलेक्टस, थैनोस, मतलब कि वो कैरेक्टर्स जो कि ओवर पावर्ड है, और इस सीरीज में मेन विलन था एनेलस, जिसका सिंपल सा मोटिव था कि उसे दुनिया पर राज करना है, और तो और उसके पास थैनोस जैसी ही बड़ी आर्मी भी थी। अब एनाइलेशन क्यों फिट होती है एमसीयू में? सबसे पहला रीजन, इस स्टोरी लाइन के लिए फाउंडेशन ऑलरेडी तैयार हो चुका है स्क्रल्स और क्रीज के इंट्रोडक्शन के बाद। ये दोनों ही एलियन रेसेस इस स्टोरी लाइन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सालों तक वॉर लड़ने के बाद जब उन्हें पता चला कि एनाइलस नाम का ये शख्स पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है, तो इन दोनों ने वॉर छोड़कर टीम अप किया ताकि वो एनाइलस से दुनिया को बचा सके। और जिस तरह से एमसीयू फेस 4 और 5 में ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एडवेंचर्स दिखाने वाला है, उससे ऐसा लग रहा है कि एनाइलेशन तो बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा। अब कुछ फैंस कहेंगे कि बिना थैनोस के ये स्टोरी लाइन कैसे पॉसिबल है, तो एमसीयू की हिस्ट्री देखी जाए तो हमेशा से ही कॉमिक्स से काफी कुछ अलग किया है। जैसे अल्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कर दिया बिना हैंक पिम की मदद के, कॉमिक्स में उन्होंने ही तो अल्ट्रॉन को बनाया था। तो हाँ, थैनोस के बजाय किसी दूसरे सुपर विलेन को मार्वल यूज कर सकता है इस एपिक स्टोरी लाइन में। थ्योरी नंबर 5, आने वाला एमसीयू बेस्ड होगा सीक्रेट वॉर्स कॉमिक स्टोरी लाइन पर। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ।
तो ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स जो कि 1980s में रिलीज हुई थी उसमें बियॉन्डर था, बियॉन्डर जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। बियॉन्डर ने कुछ सुपर हीरोज और कुछ सुपर विलन्स को एक बैटल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया ताकि वो उन दोनों को लड़ते हुए देख सके। बैटल वर्ल्ड पर एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, अल्ट्रॉन, एक्समैन और सभी फेमस सुपर हीरोज और विलन्स थे। और सीक्रेट वॉर्स भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है मल्टीवर्स पर, और मल्टीवर्स बस एमसीयू में आने ही वाला है। सीक्रेट वॉर शायद मार्वल कॉमिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट है और एमसीयू में उसे लाने के लिए शायद एक दो फेज की जरूरत पड़ सकती है। मुझे लग रहा है कि एवेंजर्स 5 किसी बहुत ही बड़े इवेंट पर बेस्ड है, तभी हमें फेज 4 और 5 में एवेंजर्स मूवी देखने को नहीं मिलेगी, वरना अभी तक हर फेज में एक एवेंजर्स मूवी तो जरूर होती थी। तो सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करने के लिए एमसीयू में जरूरत पड़ेगी फैंटास्टिक फोर की और एक्समैन की, और 1% पॉसिबिलिटी है कि आयरन मैन, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मल्टीवर्स को यूज़ किया जाएगा, तो हो सकता है रॉबर्ट डाउनी नहीं लेकिन कोई दूसरे यूनिवर्स का टोनी स्टार्क हमें देखने को मिल सकता है। और हाल ही में रूमर्स भी आए थे कि शायद टॉम क्रूज इस दूसरे यूनिवर्स के टोनी स्टार्क का रोल प्ले करेंगे। एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर रूसो ब्रदर से जब पूछा गया कि अब वो एमसीयू की कौन सी मूवी डायरेक्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो तभी लौटेंगे अगर सीक्रेट वॉर्स का यूज़ किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि केविन फाइगे ऐसा मौका छोड़ेंगे, और पर्सनली मैं तो इसी स्टोरी लाइन को एमसीयू में देखना चाहता हूँ क्योंकि शायद मल्टीवर्स का बेस्ट यूज सीक्रेट वॉर्स में ही हो सकता है। तो आप बताओ आपकी फेवरेट थ्योरी कौन सी है, या फिर आपने अपनी कोई थ्योरी बनाई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब के बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Drip, drip, diamonds always hit.